द कपिल शर्मा शो से आ रही लेटेस्ट अपडेट की माने तो मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है। आपको बता दें कि ये खबर द कपिल शर्मा शो से आई, जहां कलाकार गहरे सदमे में हैं। वेल, अगर सुनील के फैंस ये सुनकर काफी ज्यादा हताश, निराश और परेशान हो गए हैं, तो हम उन्हें बता देते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मशहूर गुलाटी को ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वो फिलहाल फिट एंड फाइन है। लेकिन फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमने इतनी गलत सी बात क्यों कह दी कि सुनील ग्रोवर अब नहीं रहे। दरअसल सुनील की ही एक बहुत बड़ी सी खबर हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमने आपको थोड़ा सा एक्साइटेड कर दिया और थोड़ा सस्पेंस भी बढ़ा दिया। खबर दरअसल ये है कि आने वाले टाइम में कपिल शर्मा शो कुछ बड़ा करने जा रहा है। जी हाँ, द कपिल शर्मा शो एक दिन आपको 2 घंटे के लिए देखने को मिलेगा। इस शो में फिल्मी दुनिया के बड़े बड़े सितारे उस दिन मौजूद होंगे, लेकिन मुद्दे की बात ये होगी कि इस शो में उस दिन आपको सुनील कहीं नजर नहीं आएंगे। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो जनवरी में आने वाले फिल्म अवार्ड फंक्शन की शूटिंग में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं। वेल, इस शो में सुपरस्टार अक्षय कुमार भी पहुंचेंगे और शो के दौरान ही वो एक सवाल करेंगे कि आखिर डॉक्टर मशहूर गुलाटी नजर क्यों नहीं आ रहे। अक्षय के सवाल पर कपिल बम्पर नर्स का किरदार निभा रहे कीकू शारदा से पूछेंगे कि भाई बताओ जरा कहाँ है मशहूर गुलाटी। तो कीकू शारदा जवाब देंगे कि हार्ट अटैक आया था, जिस कारण उनका देहांत हो गया है। बम्पर आगे बताएगा कि जब भी कोई अभिनेत्री शो में आती है तो डॉक्टर गुलाटी के दिल पर चोट लग जाती है। जब डॉक्टर साहब को पता चला कि इस स्पेशल शो में ढेर सारी अभिनेत्री आएंगी, तो ये सुनते ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और इसी वजह से आज वो हम सब के बीच में नहीं रहे। आपको बता दें कि ये सारा वाकया हंसी मजाक में हुआ था, तो आप भी इसे कुछ ज्यादा सीरियस मत लीजिए और अगर आपका दिल दुखा हो ये बात सुनकर तो हमें जरा माफ कर दीजिए। और बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। टॉप न्यूज से दीक्षा की रिपोर्ट।